ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 12 नवंबर 1992 और मुरली की हेडलाइन है, भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज। बाबा ने कहा, आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। बाबा ने विश्व राज अधिकार की जो फाउंडेशन बताई है वो बताए स्वराज अधिकार। वर्तमान समय जब हम स्वराज अधिकारी होंगे तो ही विश्व राज अधिकारी बन सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे चल करके भी बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला है स्वराज, फिर आधा कल्प है विश्व राज अधिकार और द्वापर से लेकर राज्य तो होता ही है लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजाएं बनते हैं। तो तीन प्रकार के राज्य बाबा ने बताए, राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सत्युग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज नीति। तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। ये देखिए, बाबा ने इसमें दो पॉइंट आ गए हैं। एक तो बाबा ने कहा, देखो जो विश्व राज अधिकारी हैं वो पूरा सारे विश्व के रहते हैं तो सत्युग और त्रेता में रहते हैं। द्वापर युग से जो राजाएं होंगे वो विश्व के नहीं होंगे, वो स्टेट्स के होंगे। विश्व माना उसमें सारा विश्व आ जाए, वो नहीं होंगे। फिर बाबा ने तीन नीतियाँ बताई हैं, सत्युग त्रेता की, फिर उसके बाद बताई द्वापर की राजनीति और फिर बताई स्वराज नीति। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है, हर एक राजयोगी है। सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है, जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय अपने आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ ये स्थूल शरीर की व सर्व कर्मेंद्रियां लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो, अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो, श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। एक है शारीरिक कर्म इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार और दूसरा है ऐसा ना हो कर्म इंद्रियां कभी कहना माने कभी ना माने। अगर वो पालन नहीं करती हैं ऑर्डर तो माना है नहीं ना, कंट्रोल नहीं है और रूलिंग पावर नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार में जब चाहे जहाँ चाहे अपने मन को स्थित कर सके वो चीज़ है। बाबा ने कहा कि अगर कोई कर्मिंद्री कभी आंख धोखा देती है, कभी बोल धोखा देते हैं, वाणी अर्थात मुख धोखा देता है, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते तो उसको स्वराज अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज अधिकारी के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं, उसको पुरुषार्थी अक्षर कहा जाएगा।
अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। सबसे बड़े से बड़ा बादशाह है बेफिकर बादशाह, और सबसे बड़े से बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी नीचे आ जाते हैं। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। फिर बाबा ने कहा, तो आप भी स्वराज के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वो अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, ये अकाल तख्त आत्मा का था। बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों? ये बहुत टचिंग पॉइंट है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा पिता जिसके सभी बच्चे राजा बच्चे हों। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते, ये परमात्म बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता ही कि राजा बेटा है। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो, तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्म इंद्रिय के ऊपर अधिकार। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया, कान का दरवाज़ा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई, लेकिन दो कान हैं। अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है, इसलिए इस भारत में ही विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। ये तीन दिखाते हैं, आप चार दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो, राजा अर्थार्थ रूलिंग पावर। तो स्वराज अर्थार्थ रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में तो बहुत होशियार हैं, कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है, लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो ज़रूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है, और यहाँ के बजाय वहाँ लग गई तो भी क्या होगा? तो बाबा ने कहा, ब्रेक लगा नहीं सकते या ब्रेक पावरफुल न होने के कारण ठीक लग नहीं सकती, तो ये चेक करो। फिर बाबा ने कहा कि तो कंट्रोलिंग पावर व ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं है कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करने चाहते हैं, समझते हैं कि ये रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए, इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं सोचो, सोच भी रहे आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए, बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स। तो बाबा ने कहा, तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो, ये स्वराज अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। फिर बाबा ने कहा, स्वराज अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंजता नहीं है। अगर मूंजते हैं तो मौज नहीं है। तो संगम युग पर
मौज ही मौज है ना। तो समझा स्वराज की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति ये है सतयुग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलाते हैं। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। फिर बाबा ने कहा, द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय यही नीति चलती है, लॉ नहीं लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं है। तो बाबा ने आज जो हमें बताया कि लॉ एंड ऑर्डर द्वापर से चलता है और सतयुग में स्नेह की और संबंध की नीति चलती है। तो जैसे आप दादी ने भी लास्ट में जो बताया लॉ और लव का बैलेंस, तो वास्तव में लव की नीति से चलना ही सतयुगी नीति है। लॉ भी नहीं, लेकिन सिर्फ लव और संबंध की नीति से चलना। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जैसे समय स्वराज के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं, स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहो तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य है और अखुट खजाना है। Right. फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सत्युग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा नंबर वन राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो सदा किस नशे में रहना है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विश्व सेवाधारी होना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो। हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं, नहीं, विश्व सेवाधारी। कहाँ भी रहते हैं, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की हो। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अधिकारी बनना है, स्वराज के नशे में निरंतर स्थित रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा, सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वो हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं, उसके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है। इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। और हमारा आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। राइट। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।